तुम्हारा क्या नाम हुआ बाबू? नितेश कुमार। नितेश कुमार, हाँ। तुम क्या बनना चाहते हैं? हम आर्मी। आर्मी, हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? टेंथ। टेंथ में। टेंथ में पढ़ते हैं। सरकार के तरफ बाल विवाह हो या बाल मजदूरी हो, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठा सके, किसी की सहायता लेने की जरूरत इन बच्चों को ना पड़े। मोहम्मद अकबर, क्या तुम बनना चाहता है? डीएसपी। क्या काम करता था पहले तुम? चप्पल फैक्ट्री में काम करता। तुम भी चप्पल फैक्ट्री में काम करता था, समझ ही सो रहा है। तुम क्या बनना चाहता है बाबू? हम ईएसपी। डीएसपी, हाँ। किस क्लास में अभी पढ़ रहा है? अभी एट में। एट में, हाँ। और डीएसपी बनना है, हाँ। पहले कहाँ काम करता था? पहले बोतल फैक्ट्री में काम करता। बोतल फैक्ट्री में। तुम पढ़ाई करना चाहता है? यस सर। क्या बनना चाहता है पढ़ाई करके? हम बहुत बड़का आदमी बनना चाहते हैं, पढ़ लिख के आदमी बनना। संबंध शिक्षा एवं विकास संस्थान नाम है बेतिया से। हम लोगों का यहाँ पे जो नेक्स्ट लीडरशिप एक प्रोग्राम है, जी जी। जिसके तहत हम लोग जो बच्चे हैं, जो सर्वाइवर, चाइल्ड लेबर सर्वाइवर जो बच्चे हैं, जो विभिन्न दुकानों पे, कम उम्र में भी दुकानों पे काम कर रहे थे, इसमें सिर्फ यही बच्चे नहीं, हमारे इस तरह से जो है लगभग 50 से 60 बच्चों की संख्या है जो कि अलग अलग जगहों पे चाइल्ड लेबर का काम करते थे। हम विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सच टॉक न्यूज। बिहार में ऐसे ऐसे आदमी और ऐसे संस्था की वजह से ये बच्चों कहीं पे काम करते थे, उनको छुड़ा के ये लोग को बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिहार में अगर सभी अमीर आदमी अगर गरीब को मदद करना चल जाए तो बिहार से गरीबी ही मिट जाएगा। ये बच्चा कोई होटल में काम करता था, कोई चप्पल के दुकान में काम करता था, कोई कपड़ा के दुकान में काम करता था, लेकिन इनके संस्था ही बच्चों को पढ़ाते हैं और आगे के भविष्य में ये बच्चे क्या बनना चाहते हैं जानते हैं। पहले नाम तुम्हारा बाबू क्या क्या हुआ? हमारे नाम मनोहर कुमार हुआ। मनोहर कुमार हुआ, यस। क्या काम करता था? हम चप्पल फैक्ट्री में काम करते थे। चप्पल फैक्ट्री में, कहाँ पे? कचरे सिद्धार्थपुर गांव में चप्पल का दुकान था, हाँ। वहीं पे हम काम करते थे। तुम पढ़ाई करना चाहता है? यस सर। क्या बनना चाहता है पढ़ाई करके? हम बहुत बड़का आदमी बनना चाहते हैं, पढ़ लिख के आदमी बनना चाहता है। यस सर। समझिए, सरकार वादे बहुत करती है कि गरीब के बच्चों के लिए बहुत सारे योजना है, लेकिन गरीब के बच्चे के पास योजना कहाँ पहुँच पाता है। और तुम्हारा क्या नाम हुआ बाबू? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर, यस सर। क्या तुम बनना चाहता है? डीएसपी। डीएसपी, हाँ। क्या काम करता था पहले तुम? चप्पल फैक्ट्री में काम करता। तुम भी चप्पल फैक्ट्री में काम करता था। समझिए, ये गरीब के बच्चा है, समझिए इनको खाने के लिए उतना व्यवस्था नहीं रहता है और ये चप्पल के फैक्ट्री में काम करते हैं और इन संस्थाओं के द्वारा इस बच्चे का विकास हो रहा है। तुम क्या बनना चाहता है बाबू? हम ईएसपी। डीएसपी, हाँ। किस क्लास में अभी पढ़ रहा है? अभी एट में। एट में, हाँ। और डीएसपी बनना है, हाँ। पहले कहाँ काम करता था? पहले बोतल फैक्ट्री में काम करता। बोतल फैक्ट्री में, हाँ। तुम्हारा क्या नाम हुआ बाबू? गौरव कुमार। गौरव कुमार, तुम क्या काम करता था? चप्पल जूता में। चप्पल जूता में। समझिए कि 14 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं दिया जाता था, लेकिन ऐसा स्थिति है कि ये बच्चे काम करते हैं, गरीबी के कारण काम करते हैं। तुम्हारा क्या नाम हुआ बाबू? नितेश कुमार। नितेश कुमार, हाँ। तुम क्या बनना चाहता है? हम आर्मी। आर्मी, हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? टेंथ में। टेंथ में पढ़ता है, हाँ। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है? नहीं। चलिए, आपका भाई साहब, आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था का क्या नाम है? संस्था संबंध शिक्षा एवं विकास संस्थान नाम है बेतिया से। हम लोगों का यहाँ पे जो नेक्स्ट लीडरशिप एक प्रोग्राम है, जी जी। जिसके तहत हम लोग जो बच्चे हैं, जो सर्वाइवर, चाइल्ड लेबर सर्वाइवर जो बच्चे हैं, जो विभिन्न दुकानों पे, कम उम्र में भी दुकानों पे काम कर रहे थे, इसमें सिर्फ यही बच्चे नहीं, हमारे इस तरह से जो है लगभग 50 से 60 बच्चों की संख्या है जो कि अलग अलग जगहों पे चाइल्ड लेबर का काम करते थे। हम उनके लिए जो है, जो हमारा जो 18 साल से जो बच्चे नीचे हैं, हम उनके लिए ऐसी व्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें उनको पहले एजुकेशन मिल सके। सरकार की अलग अलग योजनाओं से हमने जोड़ने का भी प्रयास किया, जिसमें बहुत सारे स्कीम के तहत कुछ बेनिफिट भी मिले हैं। साथ साथ इनको इनका विद्यालय में नामांकन हम लोगों ने कराया और कुछ बच्चे जो 18 के नज़दीक पहुँच गए हैं और उनको हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ के, स्किल की योजनाओं से जोड़ के, हम लोग उनको एक अच्छे जगह पे प्लेसमेंट करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनका जॉब अच्छे जगह नौकरी कर सके, जिनका भी उम्र 18 से ऊपर होने जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम पंकज हुआ। इससे सरकार से सहयोग आप लोगों को मिलता है? कुछ स्कीम्स जो हैं, जिनके तहत जो है कंपनसेशन जो स्कीम है जो मिले हैं और कुछ अभी मिलने बाकी हैं, जिसको प्रोसेस में चल रहा है। 18 साल से उम्र को तो काम मिलना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में ये लोग काम करते हैं। सही व्यवस्था इन लोगों को मालूम नहीं हो पाता है कि सरकार वादा बहुत करते हैं गरीबों के लिए ये योजना है, लेकिन योजना गरीब के पास पहुँच नहीं पाता है।
जी, जो जहाँ तक है हम लोगों का मुख्य रूप से ये काम है कि जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। जो बच्चों का नामांकन नहीं था, जो बच्चे मजदूरी कर रहे थे, हम उन्हें चाहते हैं कि वो स्कूल में जाएं। अब बहुत सारे जो स्कूल के भी स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं जिसमें स्पेशल क्लास की व्यवस्था हो रही है, तो हम भी उस प्रोसेस को एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि ये बच्चे स्कूल में अच्छा एजुकेशन लें, इन्हें अच्छा जॉब मिल सके। समझे, चाइल्ड लेबर एक गैर कानूनी माना जाता है। और मैडम से जानेंगे कि मैडम भी इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। आपका मैडम नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम रेणु कुमारी है। रेणु कुमारी, इस संस्था से आप कब जुड़ी? इस संस्था से मैं 3 साल से जुड़ी। 3 साल से जी। तो इस संस्था का काम क्या है, सो बताइए। इस संस्था का काम है चाइल्ड लेबर जो भी हैं उनके पुनर्वासन पर काम है। पुनर्वासन मीन्स कि उनकी माता पिता को लाइवलीहुड से जोड़ना, बच्चे को शिक्षा से जोड़ना, और जहाँ भी हो, जितना भी हो सके, बच्चे तक, उसके परिवार तक सरकारी योजना तक पहुँच बनाने में हेल्प करना। और बच्चे के अंदर इतना लीडर की भावना जो है, लीडरशिप नेक्स्ट प्रोग्राम हमारी परियोजना का नाम है जी जी। और उसके माध्यम से इन बच्चों के अंदर लीडर होने की जो भावना है वो हम लोग डेवलप करने का काम करते हैं। उनके अधिकार पर, उनके जो उनके अधिकार है उस पर उन लोगों को जागरूक करते हैं, जानकारी देते हैं, ताकि वो लाइफ में आगे ये बाल विवाह हो या बाल मजदूरी हो, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठा सके, किसी की सहायता लेने की ज़रूरत इन बच्चों को ना पड़े, इसलिए हम लोग इन बच्चों को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। समझिए कि किसी फैक्ट्री में बच्चे काम करते थे। चाइल्ड लेबर गैरकानूनी है भारत में, लेकिन बिहार का ऐसा स्थिति है, बिहार में, भारत में सरकार सभी की है, बिहार में सरकार सभी की है, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए गरीब की योजना नहीं पहुंच पाता है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।